प्यारे दोस्तों, आज हम जाएंगे पुलिस स्टेशन और जाके चेक करेंगे कि पुलिस का ऑफिस और जेल अंदर से किस तरह की होती है। बट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुलिस की गाड़ी चोरी कर लेता हूँ और गाड़ी को चोरी करने के बाद किसी पुलिस वाले के ऊपर चढ़ाता हूँ ताकि हमारे ऊपर कोई केस हो जाए। जैसे हमारे ऊपर केस हो जाएगा, पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी, हम पुलिस वालों के आगे सरेंडर कर देंगे, मतलब कि खुद ही हथियार डाल देंगे और फिर हम ऑटोमेटिक जेल चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक पुलिस वाला आ रहा है हमारे पीछे, गाड़ी तो मैंने वापस कर दी इनकी बट मेरे ऊपर केस अभी भी है। लो भाई साहब, अभी हम पहुँच जाएंगे जेल। आपने इसका पिस्टल नोटिस किया? मैं नीचे पड़ा हुआ हूँ, पिस्टल इसका ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों चलो चलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर और चेक करते हैं कि पुलिस का ऑफिस और जेलें किस तरह की हैं। यहाँ पे देखो दरवाजा बंद है। अबे यार, ये तो बिल्कुल रियल लाइफ की तरह ऑफिस लग रहा है। यहाँ पे कुछ कर रहे हैं ये बंदे। बट यार एक बात यह है कि इनको कुछ रियलिस्टिक करना चाहिए, मतलब कि कोई बंदा अगर जिस तरह मैं आ रहा हूँ अंदर, तो इनको चाहिए कि रोकना चाहिए यार पुलिस वालों को, बट ये रोक नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी ऐसा नहीं है रियल लाइफ वाला, बट जो पुलिस का ऑफिस का गेटअप है, मतलब कि जिस तरह इन्होंने बनाया हुआ है, वो कुछ लग रहा है कि वाकई यार रियल लाइफ से मिलता जुलता है। तो इस साइड पर जाते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, तो ये टट्टी खाना है? नहीं, टट्टी खाना नहीं है ये, यहाँ पर नहाया जाता है मेरे ख्याल में। इस साइड पे नहाते हैं, लेकिन दरवाज़ा दरूजा नहीं, क्योंकि भाई साहब इनके अंदर कोई शर्म नाम की चीज़ है नहीं। अभी ऊपर ये दरवाज़ा बंद है इस साइड पे, बाकी बाद में चेक करेंगे। ओ, यहाँ पे ये लौंडिया क्या कर रही है? ये शायद अपने भाई की जमानत के लिए आई हुई है, या फिर कोई और चक्कर है, समझ रहे हो ना? हो सकता है यार, बट मुझे पता नहीं है, शायद ये सीनियर ऑफिसर हो और घूम रही हो यहाँ पे वैसे ही। तो यहाँ पे देखो मेरी तरह ये भी, मुझे लगता है यहाँ पे क्या करने आया होगा ये यहाँ पे। अबे सुसरे, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? बड़े यार शरीफ पुलिस वाले हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, कोई भी अंदर गुस्सा है मतलब। ओ हो, यहाँ पे गन पड़ी हुई है, गन अगर मैं उठाऊंगा तो भाई केस हो जाएगा मेरे ऊपर। ओ हो, गन उठाने पे केस नहीं हुआ, बट गन मैंने निकाली हो तो मेरे ऊपर केस हो गया। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मेरे ऊपर दो केस हो गए हैं, तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस आएगी। बट मैंने अभी तक सिर्फ पुलिस का ऑफिस ही देखा है, ठीक है, जेल नहीं देखी। तो अभी तो मुझे जेल जाना है, नहीं मतलब वैसे ही नहीं जाना, विजिट करने के लिए जाना है। भाई साहब वैसे तो जेल के अंदर बहुत ज्यादा पिछवाड़ा लाल कर देते हैं, तो अभी तो मुझे जेल विजिट करनी है कि भाई अंदर से वो है किस तरह। तो अभी तो हम इनसे लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और चार केस हो गया भाई साहब यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि पांच केस हो जाएंगे। अरे भाई यहाँ पे अब बहुत ज्यादा आएंगे, गोलियां सिर्फ 15 रहेगी मेरे पास। अबे यार 15 गोलियां रहेगी मेरे ख्याल में। इस साइड पे जेल है, ये तो बाहर को जाता है, ये नहीं। इस साइड पे मैं पहले में आ चुका हूँ, इस साइड पे पहले में आ गया हूँ, बट अरे यार इतने ज्यादा शहर की सारी पुलिस यहाँ पे आ गई क्या? मैं कहता हूँ जैकेट मेरी खत्म हो गई अभी भाई, बहुत जल्दी हम मर जाएंगे। बट जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं कि पुलिस की जेल देख लेते हैं। ये साइड पे मेरे ख्याल में निचली साइड पे नीचे है, नीचे पीछे मेरे को याद तो नहीं रहा यार, पीछे से ये ना होकर गोली मार दें। ओ हो, तो ये जेल है, मतलब कि यहाँ पे मुझे रखते हैं जब मैं अरेस्ट हो जाता हूँ, बट मुझे दिखाते तो नहीं है। बट ऐसा कुछ करना चाहिए इनको, मतलब कि हमें दिखाया भी करें कि भाई साहब आपको जेल के अंदर ले के आ रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आया करेगा गेम में, मतलब कि कुछ रियल लाइफ की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मुझे बाहर निकलना है। दोस्तों चार केस क्योंकि मेरे ऊपर हो चुके हैं, तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा, अब कोई बचने का चांस तो है नहीं, मरूंगा या फिर मतलब कि अरेस्ट हो जाऊँगा। दो ही काम होते हैं, या तो मर जाओ इनसे लड़ते लड़ते, या फिर अरेस्ट हो जाओ। तो यहाँ पे पिस्टल से काम चला रहे हैं, मेरे पास गन है और गन नहीं है। ये मैंने नई गेम स्टार्ट की है, इसके अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस पिस्टल से काम चला रहे हैं। अगर मेरे पास गन होती ना, तो कब का मैं कहता हूँ इनको फोड़ के मैं निकल गया होता। अभी जाना है सेफली, बट मुझे डर है कि यार यहाँ पे आगे से कोई आ ना जाए। यहाँ पे ये देखो, बस ये काम चेक करो कि अंदर कितने यहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं। ओहो, बहुत ज़्यादा सैड बात है यार ये तो, बट मज़े लेते हैं जब तक मरते नहीं है। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अरे भाई साहब ये तो ख़त्म, पावर गई भाई, पावर ख़त्म होने वाली है, पावर तो होने वाली दोस्तों ख़त्म। अभी हम यहाँ पे सो जाएंगे पक्का, मतलब के पुलिस वाले हमें लिटा लेंगे यहाँ पे। ओए चाचू तू अंदर क्या कर रहा है, तू आजा बाहर, सबको मैंने फोड़ दिया, आजा बाहर यार। नहीं, एक और आ गया यार, इतने ज़्यादा बंदे, इनको मतलब के कितना ज़्यादा प्यार है यार अपनी ड्यूटी से, जान से प्यार है नहीं इनको। अगर जान से प्यार होता तो बाहर वेट करते, साफ ज़ाहिर हगने मोतने के लिए मैंने बाहर तो जाना है, यहाँ पर तो बैठे नहीं रहना।
लो भाई साहब इतने ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, ऊ लाला बस ख़त्म भाई साहब, यहाँ से मैं निकलता हूँ, 4 स्टार मेरे ऊपर हैं, बस निकलूँगा और मैं गया। अबे पुलिस की गाड़ी में बैठ जा चाचू, बैठने दे मुझको, बस गोली नहीं लगे, एक गोली भी लग गई तो भाई मैं गया। अबे यार क्या किस्मत है मेरी यार, मैं बच गया, मतलब कि देखो मेरी पावर ऊपर देखो, वो पट्टी ब्लिंक कर रही है, मतलब अरे यार मर जाऊंगा, मुझे 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 लगता है कि मैं मर जाऊंगा अभी। तो एक काम करते हैं, कहीं पे जाके छुप जाते हैं, तो यहाँ पे कोई अच्छी सी जगह, ये सही जगह है, पीछे जाते हैं इसके अंदर छुप जाते हैं दोस्तों। अरे चढ़ जा यार, क्यों मरवाएगा मुझको, क्यों पिछवाड़ा लाल करवाएगा मेरा तू। ये देखो कितने आराम से यार इस शहर के गैंगस्टर घूम रहे हो और मैं इतना शरीफ लौंडा हूँ, सारे मतलब के पीछे मेरे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पे इसके आगे छुप जाते हैं, बस दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ तो अभी मैं लग रहा है सेफ हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा देर मैं सेफ रहूँगा नहीं, ये अंदर आ जाएंगे और फिर मैं मर जाऊँगा। ओ भाई साहब ये आ गया यार, काली जबान है मेरी, नाम ले और पुलिस वाले हाजिर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज हमको पुलिस स्टेशन विजिट करके, तो अगली वीडियो में हम ये मिशन कंप्लीट करेंगे ग्रीन गो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप मेरे इंडिया पाकिस्तान से भाई हो तो, और बेल आइकन ऑल प्रेस करना सब्सक्राइब करने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, गुड बाय दोस्तों।